लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब इंस्पेक्टर विजय गुप्ता रिपोर्टिंग। सेम साहब की गाड़ी अभी नेशनल हाईवे नंबर 4 से गुजरी है। अगला स्टॉप लातुरगांव। ओवर। कॉलेज नहीं जाएगी तो फेल नहीं हो जाएगी। अपनी मर्जी से दो दो दिन नहीं जाती तो कुछ नहीं होता। आज मुख्यमंत्री जी शहर में आ रहे हैं, इसलिए दिन भर बिजली रहेगी और फिर मुझे फिजिक्स के दो दो प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करने हैं। उसको कॉलेज जाने दो माँ, अपने साथ नहीं चलेगी तो भगवान अपना इरादा नहीं बदल देगा। सरोज तुम जाओ। अश्विनी 10-12 साल से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। सरोज ऐसा नहीं कहते, सब तो हो चुके, डॉक्टर हकीम वैद ओझा, कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसे ही रहना है जिंदगी भर, लूली लंगड़ी अपाहिज। एक दिन तुम लोग खुद ही बोलोगे कि ये मर क्यों नहीं जाती। बेटी शायद अब भी बोलते होंगे, मुझे मारे जाने दो। निकलते वक्त तो शुभ शुभ बोल।
दवाई खा ले। खा ले। सरोज, शालू, तू शालू ये क्या? हाँ, दवाई तो दे रही थी, समझती क्या है अपने आप को, मरना है तो मर। बेटी दवा खा ले। मुझे नहीं खानी आपकी दवाई, मुझे मर जाने दीजिए, जिंदा नहीं रहना है मुझे। सरोज इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा अच्छा अभी मत खा, लौट के खा लेना। शालू जल्दी कर। बेटी चलो, मुझे नहीं जाना है कहीं। इतने सारे उपाय कर लिए, एक उपाय और सही। अगर कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं है बेटी। चलो। मौसी मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा सरोज मैं चलती हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, शाम को मिलेंगे, बाय। सब तैयार हैं? हो रहे हैं, शाम को मिलेंगे। अच्छा बेटा। सरोज क्या हुआ तुझे? क्या कर रहे सब लोग? अरे चलो भाई चलो, जल्दी करो, तांग आ गया। बॉल रख दे, देर हो रही है। चलो दिवाकर, किराया तो तय कर लिया है ना? हाँ दीदी, 20 रुपए। 20 रुपए? अरे मंदिर में जाने के लिए लूट मची है क्या? माँ जी मंदिर से ऑफर भी तो लाना है आपको। दीदी भगवान के काम में क्यों बहस कर रही है, चलिए आप। टांगे वाला कोई भगवान का एजेंट है? तू बीच में मत बोल। चलिए चलिए आप बैठिए। अकाल राज्य के लिए कोई नया नाम नहीं है, लेकिन 20 साल के दौरान हमारा राज्य इस बार सबसे भीषणतम अकाल की चपेट में है। राज्य सरकार ने अपनी सारी ताकत अकाल प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में लगा रखी है। आप लोगों को भूख से नहीं मरने देंगे, आपके पशुओं के लिए चारा और संकटग्रस्त इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, राज्य के सैकड़ों गांवों में जहां पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों से पानी पहुंचाने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसके लिए भारत क्या सरकार तकलीफ है? 100 टैंकर खरीदने कुछ की मंजूरी दी है। कुओं को तो फिर चुपचाप खड़े और गहरे करने के लिए। अरे, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो बात कर रहे हैं उसकी सराहना भी नहीं कर सकते? चुपचाप खड़े रहो। हैंडपंप खोदने के लिए 10 रिग्स खरीदने की भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों के लिए 58 करोड़ रुपए की मांग की थी। अकाल से मुकाबले के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि खर्च की है। राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर
राहत कार्य शुरू होने जा रहे हैं। गांव में और पंचायत कार्यों में सब दूर राहत कार्यों का जाल बिछाया गया है। गांव में बांधों, स्कूलों, अस्पतालों, पंचायत भवनों, वन और भू संरक्षण योजना के अलावा और भी सड़क निर्माण का नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं। राज्य में 43 करोड़ रुपए की लागत के सड़क कार्य मंजूर किए गए हैं, जिनसे लगभग 4000 किलोमीटर नई सड़क। मैंने तुम्हें कहा ना चुपचाप खड़े रहो। अजीब सीएम है, हम एक महीने से स्ट्राइक पर हैं। हमारी बात पर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं उनके पास, सरकारी दौरा करने के लिए वक्त है। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम चुपचाप खड़े रहो। लेकिन हमें जो कहना है वो तो सुनते ही नहीं। लेकिन खड़े रहो। खेती पर 2,22,00,000 रुपए, दवाइयों पर 3,09,00,000 रुपए तथा अकाल पीड़ितों के अकाल राहत कार्यों पर रोजगार देने के लिए 13,31,00,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हमारी सरकार इस तरह अकाल प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने में कोई। चलो संजू ऊपर चलो। चालू हाँ? मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हाफ डे की सीएल मिली है। हाँ। पता नहीं सीएम के साथ कौन कौन ऑफिसर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा दीदी, और कुछ चाहिए बेटी? मेरी किताब। प्रेमचंद की या खांडेकर की? प्रेमचंद की। ये लो। अच्छा हम दोनों बाजार जाएं? तुम्हें क्या चाहिए बाजार से? कुछ नहीं। चलो जल्दी चलो, लौटना है। शाम की 7 बजे की गाड़ी है। हाँ। अच्छा टिकट्स तुम्हारे पास दिए मैंने? मेरे पास? स्टेशन से आने के बाद पहला काम ये किया था कि तुम्हारे पास मैंने टिकट्स दी थी। माँ तुमने सूटकेस में रखी है। हाँ, है, है। चलो। अच्छा सर जाके आते हैं। संजू इसका ख्याल रखना। बाय। तुझे खेलना है? जा नीचे खेल।
लड़ना ही, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी तरफ बढ़े तो सारे घर वालों को खत्म कर दूंगा। घर में कोई और है? अंदर कौन कौन है? बोलती क्यों नहीं? कोई नहीं। ए भाई, बच्चों को लेके अंदर जाओ। यहां से हिलना नहीं, गोली मार दूंगा। जाओ उसको जाके बोल दो, दरवाजा बंद कर लो, बोलो जाओ। और देखो पिछली बाजू से आकर ए हटो। ये घर किसका है? हमारा, हमारा। घर में कौन कौन है? सरोज दीदी, वो तो चल भी नहीं सकती। माँ कहाँ है? ऑफिस गई है। और पिताजी? इसके पिताजी को मरे तो 3 साल हो गए। ऊपर कौन है हमारे घर में? ओ। मैं मेरी माँ को बुला के जाता हूँ। इधर से जाओ। साहब कौन है ये ऊपर, क्या किया है उसने? मुझे मालूम नहीं, चलो सेम का मैटर किया, चलो हेडक्वार्टर्स फोन करके एडिशनल फोर्स मंगवा लो। यस सर। कारतूस लो। चल उठ कर खड़ी हो। इंस्पेक्टर, कोई तिकड़मबाजी की तो इसको उड़ा दूंगा। ए पिछाटो साहब, ए इधर। ये आप क्या कर रहे हैं? वो लड़की को मार देगा। मारने तो तुम पिछाटो। पहले को नहीं बताया? हेलो जी। हाँ, जरा एक मिनट रुकिएगा। साहब आपका फोन। हेलो, कौन? संपत राव जी। हाँ बोल रहा हूँ। हमने आपका काम पूरा कर दिया है। मंत्री को मीटिंग में उनकी बॉडी भेजने का इंतजाम हो रहा है। अच्छा, किसी ने सीएम की गोली मारकर हत्या कर दी है, उनकी बॉडी आ रही है, तुम रिसीव करने का प्रबंध करो। हाँ साहब, मैं सब अरेंजमेंट कर देता हूं। और
काका साहब को कांटेक्ट करो। ठीक है साहब। क्या कर रही थी? तुझे कितनी बार कहा है कि यहां से हिलेगी नहीं? पानी, देखिए आप जाइए प्लीज, मेरे सरोज को बचाइए। आप यहाँ प्लीज प्लीज, कोई कुछ नहीं करेगा, बैठिए यहाँ, बैठिए आराम से। मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरी बच्ची, कोई कुछ नहीं करेगा, बैठ जाइए आप प्लीज। इसके साथ बचाइए सरोज, मैंने क्यों बुलाया? अरे भाई साहब जाइए, बचाइए ना उसे। ये औरत कौन है? सरोज तू है? ये जो चिल्ला रही तेरी कौन लगती है? मासी। तेरे माँ बाप कहाँ है? बाजार गए हुए। ये करी थी तुझे यहाँ बुलाया किस लिए? देवी माँ से मन्नत मांगने के लिए। मन्नत इसलिए कि तेरी ये टांगे ठीक हो जाए। तू चलने फिरने लगेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। क्या यानी भगवान से भी सौदेबाजी? तू ये दे दे तो हम वो दे देंगे, तू वो दे दे तो हम ये दे देंगे। अगर इस वक्त मैं तुझे गोली मार दूं तो क्या होगा तुम लोगों की मांगी हुई मन्नत का? बचा देगा तेरा भगवान साले। जैसे देखो भगवान के भरोसे बैठा है। परसों छोटू पिकनिक पे जाना चाह रहा है। कहाँ जा रहा है? उसके साथ कोई और जा भी रहे या नहीं? गोराय भी जा रहे। एक विशेष टीचर सोंगी आया होगी। हमें सूचित करते हुए बहुत दुख होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की, जो अकालग्रस्त इलाके के दौरे पर थे, किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्यारा अब तक लापता है। देखो पुलिस की खोजबीन। आज आप काम पर मत जाइएगा, सारा शहर बंद रहेगा। संपत राव जी से आपकी तो अच्छी बनती है ना? हाँ तो फिर हमारी भी सुतली उनके साथ जोड़िए ना। आपकी? अरे आप तो थाली के बैंगन हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। नमस्कार। हाँ जी हैं सर, आपके लिए दिल्ली से कॉल है। हेलो जी, आज शाम के फ्लाइट से? जी जी, आपके ऊपर है जैसा भी। मेरे लायक कोई सेवा? जी जी, वो मैं पहुंचा दूंगा जी। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाई कमांड की तरफ से रामनाथन जी आ रहे हैं आज शाम की फ्लाइट से। वो सब लोगों से अलग अलग बातचीत करेंगे, उन्हें भी संभालना पड़ेगा। काका साहब को टटोला 18 मांगते हैं हर एक का, और उनके जेब में 25 आदमी है। अपने भतीजे को डेप्यूटी मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। कह दो डिप्टीशिप चाहिए तो 10 मिलेगा।
आदमियों को भतीजे वाली डिमांड में बता दो, अपने ही आदमियों को बेवकूफ बनाता है साला। इतनी देर क्यों लगी? सर वो हेडक्वार्टर्स फोन नहीं लग रहा। डैम इट, फाइनली लगा के नहीं लगा? यस सर, एडिशनल फोर्स आ रहा है। गुप्ता। यस सर। नहीं, एक काम। इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, सरोज को बचा लीजिए। उसके पास 10 गन है। हाँ? लड़की बिल्कुल चल नहीं सकती। नहीं, वो कहाँ सोई है? घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। वो हॉल में बिस्तर पर सोई है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऊपर मत जाइए, वो उसे मार डालेगा। नहीं जाएगा। बलिराम, किसी को मत जाने दीजिए, किसी को मत जाने दीजिए। सरोज, पीछे पाइप है। मैंने तुझे क्यों बुलाया? कोशिश करो। जी, दिखाई दे तो सीधी गोली मार देना। यस सर। शूट हिम। यस सर। टेक केयर। सुनो, मैं एसपी दांडेकर बोल रहा हूं। देखो, हमने तुम्हें पूरी तरह घेर लिया है, तुम भाग नहीं सकते। सुन रहे हो? अब भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं, अगर सरेंडर हो जाते हो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। उस लड़की का कोई दोष नहीं है, वो बेचारी चल भी नहीं सकती। वो यहां की नहीं है, दूसरे शहर से आई हुई है। उस अपाहिज पर तो दया करो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उस बेगुनाह लड़की ने? सुन रहे हो? उसे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? उस लड़की की जगह तुम मुझे गन पॉइंट पे ले सकते हो। मैं अपने लोग हटा लेता हूं। सरोज, शालू, सरोज तो ऊपर है। शालू, सरोज, 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 जवाब क्यों नहीं देती? वो सरोज को कुछ कर देगा। इंस्पेक्टर, आप कुछ करते क्यों नहीं? कौन है ये? सरोज, मैं आ रही हूँ। शालू, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, चाहे कुछ भी कर ले वो, मैं जाऊंगी। नहीं शालू, घबरा मत बेटी, मैं आ रही हूँ। खबरदार, ऊपर आई तो जान से मार दूंगा। नहीं शालू, शालू नहीं, शालू मैं जा रही हूं। ऊपर मत जाओ, सांस को मार। रुक जा। आ नहीं, एक कदम भी तुझे आगे बढ़ा तो तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मारना है तो मुझे मार, हत्यारे मेरी बेटी को छोड़ दे। मां, क्या बिगाड़ा है? मां नहीं, छोड़ दे मेरी बेटी को। नहीं तो सबको उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, आप गोली मत चलाइए, मैं इसे ले जाता हूँ। चलो शाली, वापस आओ शालू, नहीं तो वो सरोज को मार डालेगा। शाली, नहीं नहीं, चलो, वो मेरी बेटी को मार देगा। मेरी सरोज को मार देगा वो, मेरी सरोज को मार देगा। शालू, you
अब गुप्ता अरे और गाइस सर आई एम सॉरी सर आई कुडंट मेक इट इट्स ओके टेक योर पोजीशन तुम मेरे बेटे को मार डालोगे क्या उससे तुम्हारा मुख्यमंत्री जी उठेगा शालू सही हो तुम लोग सबके सब कसाई शालू मेरे बेटे को मार डालो शालू प्लीज चलो मेरे बेटे को मार डालो I'm sorry. It's okay. ऐसे क्यों घूर रही है? ऐसे क्यों घूर रही है? कहां से आए तुम लोग? अहमदनगर आशाम की गाड़ी से वापस जा रहे हैं हाँ? थे भगवान को मानते हैं टांगे ठीक कर देगा शादी करा देगा किसको मारा है तुमने सीएम को क्यों मरना ही था उसे मतलब मैं नहीं मारता कोई और मार देता उसे लेकिन तुम्हें क्यों मारा ओ, पहले तुझको बोले कि रोना थोड़ा बंद करे मैंने क्या किया तेरे साथ कुछ किया तेरे साथ मैंने मरने ही चाहिए ऐसे लोग और मारूंगा राज करते हैं साले चोर मक्कार कठपुतलियों की तरह चाहते हैं हमें अब तुम बच सकोगे जब तक तू जिंदा है मैं जिंदा हूं मौत से डर नहीं लगता तुझे तुम्हें लगता है जब मैं पूछता हूं जवाब दे मौत से डर लगता है तुझे तुम्हें लगता है नहीं मरना सभी को है मगर हम मार के मरेंगे हम यानी तू नहीं समझेगी किसी की जिंदगी कोई मतलब नहीं रखती तुम्हारे लिए कईयों की जिंदगी का सवाल हो तो मैं किसी एक की जिंदगी को जरा भी कीमत नहीं देता तो मुझे भी मार डालोगे जरूरत पड़ी तो खाने के लिए कुछ है चाय पिएगी कौन सी दुनिया में जीते हो तुम लोग अपाहिजों की Don't worry. Raja. Sanim. कुछ नहीं और घर में कौन कौन है हैं थे तुम काम क्या करते हो वध करता हूं गंदगी हटाता हूं ना समझ लोग जिसे हत्या कहते हैं कोई पैसे देता है तुम्हें तुम्हारे मां बाप तुम्हें नहीं रोकते पढ़ती हो घर पे ट्यूशन लेती हूँ तुम तो कॉलेज गए होगे हाँ
बहुत अच्छा लगता होगा ना वहाँ, इतनी सारी सहेलियाँ, दोस्त, एक साथ पढ़ाई लिखाई, पिकनिक, हंसी मजाक, उछल कूद। ताले समझता क्या अपने आपको? क्या सीनियर्स को सलाम करने को शर्म आती है? उठ चल, उठ उठ चल, सलाम कर, सलाम कर। अब मुर्गा बन, अबे सुना नहीं, मुर्गा बन, तेरी तो मुर्गा नहीं बनेगा। हाँ चल चल चल, मुर्गा बन, मुर्गा बन। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय, मारो ना, ऐसे भी तो मोजे बन के रह गई हूँ सब पे। मुझे नहीं अच्छी लगती है किताबी लाइनें, समझी? ये सरोज जन्म से ही ऐसी है? नहीं, 4 साल तक तो नॉर्मल थी, फिर एक बार बीमार पड़ी और बहुत दिनों तक बुखार में जलती रही। बुखार गया तब पता चला उसके दोनों ही पांव बिल्कुल बेकार हो गए थे। फिर किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया? कहां कहां नहीं लेके गए हम सरोज को, क्या बताएं आपको। तो कोई ट्रीटमेंट तो चलती होगी, टैबलेट वगैरह? इंजेक्शंस नहीं, मगर सुबह शाम टैबलेट जरूर लेनी पड़ती है। आज सुबह ली थी? अपने मन से कहां लेती है, मतलब आज सुबह नहीं ली थी? नहीं। थैंक यू। ए गुप्ता। यस सर। यहाँ सब संभालो। यस सर। मैं जरा जाकर आता हूँ। यस सर। थोड़ा टाइम लगेगा, उसे प्रोक मत करना। जी हाँ, मैं संभाल लूंगा। बी अलर्ट। उस कमरे में। थैंक यू। यहां दर्द हो रहा है, यहां? यस। सॉरी डॉक्टर, मैं सुहास दांडेकर, एसपी। यस। आपसे कुछ खास बात करनी है। बैठिए। थैंक यू। दही चावल खाना सिर्फ, दारू वारू एकदम बंद, समझे? यस। बैठिए। थैंक यू। आई विल कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आपको शायद मालूम होगा सीएम की हत्या कर दी गई है। बैठिए ना। हाँ। हत्यारा एक मकान में छिपा हुआ है, उस मकान में एक लड़की के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। लड़की अपाहिज है, उसकी दोनों टांगे बेकार हैं। हत्यारे ने हमें धमकी दी है, अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो लड़की को मार डालेगा। हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन एसपी साहब, हम आपकी इसमें क्या मदद कर सकते हैं? उसे पकड़ने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई है। पब्लिक सिंपति लड़की के साथ है, वो नहीं चाहेंगे कि लड़की को कुछ हो जाए, इसलिए मैं कोई मेजर ऑफेंसिव एक्शन भी नहीं ले सकता। आई हैव अ प्लान। मान लीजिए कि उस अपाइज लड़की को जो उसके साथ है, उसे हम दबा देने की जरूरत पैदा करते हैं। जरूरत पैदा करते हैं, क्या मतलब है इसका? वो पेशेंट तो है लेकिन उसे दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसे ऐसी दवा देंगे जिससे वो कमजोरी महसूस करेगी या उसके बदन में दर्द होगा,
अपेरेंटली ऐसा लगे कि उसकी हालत बहुत खराब है, इस बहाने हम दो तीन बार अंदर आ जा सकते हैं। आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जी। तो ये भी समझ लीजिए, बिना मतलब मैं किसी को दवा नहीं दूंगा। इज दैट ऑल? मैं जानता हूँ ये सब आपके प्रोफेशन के खिलाफ है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप ये कभी नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हालात ही कुछ और है। हम मरीजों को जिंदा रखने का काम करते हैं, मार डालने का नहीं। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो नो, इट्स इम्पॉसिबल। देखिए, किसी भी हालत में हमें वो आदमी चाहिए। अगर उस लड़की को कुछ होता है भी तो क्या, वैसे भी तो वो लाश के बराबर है। Shut up, Mr. Dandekar. Don't talk rubbish. Why don't you understand my problem? I don't want to understand you. Excuse me. There's an emergency, doctor. Just coming. सॉरी मिस्टर दांडेकर, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज। अगर हमें कोई मौका नहीं मिलता तो हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, आई मीन अटैक, और उसमें वो लड़की तो मरेगी ही, हो सकता है 10-15 जन और मारे जाए। आप क्या चाहेंगे? देखिए डॉक्टर, हम सिर्फ एक मौका चाहते हैं कि किसी भी तरह हम अंदर पहुंच सके। ऑलराइट, मान भी लिया मैं अंदर गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आपका अंदर आने देगा। क्यों? उसके लिए नर्स होगी तो बेहतर होगा। उसकी जान के लिए और भी खतरा है। है, इसीलिए हमें होशियार नर्स की जरूरत है। अनिता? यस सर। माधुरी को बुलाना। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। यस सर। माधुरी, ये है मिस्टर सुहास दांडेकर, एसपी। नमस्ते। और ये माधुरी पांडे, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए। आप शादीशुदा हैं? जी जी नहीं, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन नहीं, यूं ही पूछ रहा था। हेडक्वार्टर से कोई मैसेज आया? नहीं सर। सुनिए, पीछे एसपी साहब कहाँ है? एसपी साहब कहाँ है? भाई साहब, आपकी तारीफ। प्लीज, मैं एडिटर हूँ, जयंत सावरकर। यहाँ का एक लोकल पेपर है किरण, और यह है मिस वैजयंती चौहान, जर्नलिस्ट है। हाँ नमस्ते। एसपी साहब, मौका वारदात पर नजर नहीं आ रहे? देखिए, मौका वारदात ये नहीं है, वारदात यहाँ से कहीं दूर हुआ है और कातिल यहाँ पे आके छुपा है, इस घर में। वही तो है, एक अपाहिज लड़की को हत्यारे के हाथों में सौंप कर एसपी साहब कहाँ तशरीफ ले गए हैं? वो कहीं बाहर गए हुए हैं काम के लिए, आ जाएंगे अभी। यही तो हाल है हमारे देश की पुलिस का, कैसे विश्वास करें पुलिस हमारी रक्षा करेगी? आप हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें, शूट कर दो उसे। अच्छा, उसके पास टेन गन है, अंदर अपाहिज लड़की है, उसे मारेगा तो इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग क्यों नहीं जाते अंदर? हाँ, हो सकता है आपकी बात मान लेगा वो। हम तो पुलिस है, हमें तो अक्ल नहीं है ना। भाई साहब, भाई साहब, मैं यहाँ के एक अखबार का एडिटर बोल रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ उसे,
बोल दे उनको कुछ नहीं हुआ तुझे, तू ठीक है, बोल दे उन्हें। मैं ठीक हूँ माँ। अरे जोर से बोल। मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। सरोज, 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 ऐसे खतरनाक अपराधी को हम पकड़ सकते हैं अगर आप हमारी मदद करें तो। मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन बताएंगे, वो आप सरोज को देंगे। सरोज उससे कमजोरी महसूस करेगी और घबराहट भी, और इस बहाने हम 2-3 बार अंदर आ जा सकते हैं, मतलब आप। वो मुझे अंदर आने देगा? वो जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। इसके बाद आपको एक काम और करना होगा। वो क्या? उस आदमी को किसी भी तरह उलझा कर ऐसी दवा देनी होगी कि वो बेहोश हो जाए। ये मैं नहीं कर सकती। डरती हो? नहीं, डरती तो। तो मैं उसे उलझाऊंगी कैसे? जैसे औरत मर्द को उलझाती हो वैसे। वेट वेट मिस्टर दांडेकर, आपका ये नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये अस्पताल है, कोई मंडी नहीं। आप गलत मत समझिए, शायद औरत उसकी कमजोरी हो सकती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश हम करेंगे। आप मुझे समझते क्या है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूं? मैं जानता हूं कि आप ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ऐसी वैसी लड़की लालच में आकर कुछ भी कर सकती है, लेकिन कर्तव्य की ऊंचाई को छू नहीं सकती। आप ही ये काम कर सकती हैं। लेकिन उसके पास पहुंचने का मतलब है उसके साथ। आप जब किसी मरीज को उठाती हैं, लिटाती हैं, स्पंज करती हैं, पौड़ देती हैं, तो उसे छूती नहीं? क्या आप उसे गलत समझती हैं, गंदा घिनौना समझती हैं, उसे अपना कर्तव्य नहीं समझती? नहीं समझती। मान लीजिए कि वो भी एक मरीज है, दिमागी मरीज है, उसे आप ठीक करने जा रही हैं। आखिर ये सब रिस्क किस लिए? एक अपाहिज लड़की की जान बचाने के लिए ना? सवाल अपाहिज लड़की की जान बचाने का नहीं है, सवाल है अपराध की नीति से लड़ने का, उस क्रिमिनल को पकड़ने का। खैर, आप उस लड़की को इंजेक्शन देने के लिए तो तैयार है ना? जी। थैंक यू। अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो आप उसे ये सब काम करने को कहते? बेशक। इतना बनता नहीं, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं काका साहब। सीएम की कुर्सी की परछाई के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर आप 10 का भाव तय कर लें तो एग्रीकल्चर आपको दे देते हैं। और डिप्यूटीशिप? एक बार में एक ही लड़का गोद लिया जाता है काका साहब, हाई कमांड कैसे राजी होगा? सोच लो, हम ही लोगों को कंधे से कंधा मिला के राज्य का और भी तो विकास करना है। सौदा तो आप अपने ही विकास की खातिर कर रहे हैं। संपत राव जी, जब व्यक्ति का विकास होता है तभी समाज का विकास होता है। ऑलराइट। अरे हाथ क्या मिला रहे हो, गले लगा लो। नए मुख्यमंत्री जी को बधाई, ऐसे अच्छे मौके पे कुछ अच्छी चीज हो जाए। वो भी हो जाएगा,
कोई रास्ता मिला भागने का? अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो, हीरो या गुलाम? तुम मुझे नहीं मारोगे? मारोगे? नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी जान प्यारी है। आदमी अपनी मौत के विचार से कितना कांप उठता है ना, शायद अब तुम समझ गए होगे जिन लोगों को तुमने मारा है उनकी क्या हालत हुई होगी। अपनी मौत से डर लगता है ना? सच तो यह है कि तुम बुजदिल हो, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, उससे किसी को भी मार दिया तो कौन सा बड़ा काम किया? अपने कायरपन को ढकने के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जबरदस्ती विश्वास दिलाते हो। ये लोग मुझे नहीं मार सकते। शालू, छोड़ दो। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए, आप उधर मत जाइए। शालू, शालू उधर मत जाइए। शालू, 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 उधर मत जाइए। शालू, नहीं, शालू आप अंदर चलिए। शालू, शालू, शालू उठो। वो मेरी सरोज को मारेगा, वो मेरी सरोज को मारेगा। शालू, ये बताया हत्या। एडिशनल फोर्स अभी तक नहीं पहुंचा। गाड़ियां निकल चुकी हैं। कितने बजे निकले सर? उनको निकले आधा घंटा हो गया। थैंक यू सर। यस, उसने एक आदमी को मार डाला सर। किसको? वो भीड़ में खड़ा था, हत्यारा अचानक बाहर आया और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाया। इस हालत में आप यहां से गए कैसे? उस हत्यारे ने यहां और एक आदमी को मार दिया। आपके खिलाफ मैं अपनी वार्ता पत्र में जरूर लिखूंगा। प्लीज, जनता की सुरक्षा मैं माधुरी को हरगिज नहीं भेजूंगा। वो जाए, अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं जिम्मेदार। लेकिन मैं, डॉक्टर साहब, सुनिए, आई हैव अ प्लान। साहब, आप समझते क्यों नहीं? वो कुछ भी कर सकते। घबराइए मत, वहां जाइए जीप के पास, एप्रन उतार दो। बी केयरफुल। यस सर। ऑल द बेस्ट गुप्ता, डोंट वरी, कम। सर,
सरोज सुनो, बेटी सरोज। सरोज को क्यों पुकार रहे हो? देखो सरोज को इंजेक्शन देना है। कैसा इंजेक्शन? उसे रोज इंजेक्शन देना पड़ता है। अगर उसे इंजेक्शन नहीं दिया तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भाई साहब, तुम इंजेक्शन लेती हो? ये इंजेक्शन मेरी बच्ची के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत दे तो रोज, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। कौन देगा इंजेक्शन? वो नर्स देती है, वो आई है। ठीक है, भेज दो उसको। अगर कोई चालबाजी की तो सरोज को गोली छोड़ा दूंगा। क्या है इसमें? दवाइयां। दिखा। चल। ठीक है, इंजेक्शन बना। इंजेक्शन देने आता है? मुझे दे। इससे पहले बाह पर लगाना और उसके बाद। मालूम है। हाथ क्यों कांप रहे तुम्हारे? तुम तो बड़ी आसानी से बंदूक से आदमी को मार डालते हो, फिर मुझे जिंदा रखने के लिए इंजेक्शन नहीं दे सकते? तुम तो बड़े कायर हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान।
हमारा सारे जहां से अच्छा। चलो बच्चों, अभी सब लोग अपने अपने तंबू बजाओ। राजा तुम यहाँ आओ। क्यों राजा, कैंप में मजा आ रहा है ना? बैठो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो हैं। आज गर्मी बहुत है ना, उतार दो तुम भी। शाबाश, अरे वाह, तुम तो बॉडी बिल्डर लगते हो हैं। वैसे इस साल तुम्हारी पढ़ाई की प्रोग्रेस अच्छी रही, सिर्फ जरा हिस्ट्री में थोड़े कमजोर हो, वो ठीक हो जाएगा। राजा ऐसा क्यों नहीं करते, तुम आज यहीं क्यों नहीं सो जाते मेरे साथ? ठीक है, गुड बॉय, चल लेट जाओ। हाँ, अच्छी तरह लेट जाओ, टांगे ऊपर कर लो। हाँ, वेरी स्वीट बॉय। कैसी है? अच्छी है। ये ले। तुमने तो नीडल को हाथ लगा दिया, मुझे इसे स्टरिलाइज करना होगा। अरे तू लगा इंजेक्शन। ये मैं नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती, लगा इंजेक्शन। इंफेक्शन हो जाएगा। जो कुछ करना जल्दी कर। मंदिर हो आई? हाँ। कैसे लगा मंदिर? अरे जल्दी कर, जो कुछ करना है। कैसा लगा मंदिर? अच्छा है। तुमने दवाई खाई? नहीं। देखो दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? सुबह से कुछ खाया? नहीं। मैं तुम्हें खाने को कुछ देती हूँ। तूने पांव हिलाने की एक्सरसाइज की? नहीं। तो फिर ठीक कैसे होगी? ये सब तेरी भलाई के लिए ही है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। That's a good girl. बक्सा देना, खुद उठा ले। ए, ए।
मेरे सरोज कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी जरा भी फिक्र मत कीजिए। सुबह से भूखी है, कुछ खाया उसने? उस हत्यारे ने मेरी सरोज को कोई तकलीफ तो नहीं दी? वो अकेली है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ? सरोज को मैसेज मिल गया है। हाँ। और वो समझ भी गई है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। बड़ा डोज तो नहीं दिया ना? नहीं तो पेश कैसे आया? तुम्हें लगता है अगर पुलिस यहाँ से कुछ करेगी तो वो सरोज को मार देगा? वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। सामने वाले मकान में पोजीशन लो। यस सर। ये डोंट वरी, नथिंग, रिलैक्स। के बावजूद भी उसे वीर चक्र मिलता है, फिर तुम सिपाही क्यों नहीं बने? ऐसे किसी को भी मार के दुनिया बदल दोगे, क्रांति आ जाएगी। पहले सीएम को, अब यहाँ। एनीवे थैंक्स। किस लिए? इंजेक्शन तो लेने दिया। श्यामराव जी का तो सब हो गया ना? जी हाँ सर, अपने आदमियों के साथ पहुंच रहे हैं। रामनाथन जी को कैसे संभालना है वो सब बता दिया? जी हाँ सर, मैंने बता दिया उन्हें। काका साहब का ध्यान रखना। जी सर। कहीं गड़बड़ ना कर दें। जी सर। सर आपका फोन। मैं फोन अटेंड करके आता। जी सर। हेलो,
संपत राव जी। हाँ बोलो। संपत राव जी, डर है कहीं राजा पकड़ा ना जाए। क्या? वो एक मकान में फंसा हुआ है, आप वहां से पुलिस भेजिए, अपने लोग, जो राजा को मारने के बहाने एसपी डांडेकर को। तब तक मैं यहाँ कुछ करता। ठीक है, देखता हूँ। लो, ये बेजान चीज का तमाशा दिखाओगे? ये ज्यादा जानदार है किसी भी तमाशे से, यहां तक पहुंच जाता है, बस छू नहीं सकते। ये आप ही के काम का है। क्या दिखाओगे? हम लोग? अरे भाई, कुछ इंपोर्टेड मसाला है या वैसे ही? बहुत तीखा है, आपसे निभने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे हो? उधर मत जाओ। सहेली के घर चली जा, या संभल के। अश्विनी गुप्ता ऊपर। Thank you.
मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो लाइब्रेरी से आ रहा था। मैं तो घर जा रहा था सर। प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ता हूँ प्लीज। अरे चल आने चल। क्या कर रही हो? क्या हुआ? कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं, पर तुम सुन ही नहीं रहे हो। क्या है? मुझे यहां बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी नहीं ले पा रही हूं। पहले भी कभी ऐसा हुआ था? क्या दवा लेती है? वहां तो डॉक्टर इंजेक्शन देता था, और अभी जो इंजेक्शन दिया वो तो रोज का है। इंस्पेक्टर, नर्स को भेजो, वो लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर दिया मेरी बेटी को तूने? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्लीज तुम लोग उसे जाने क्यों नहीं देते? प्लीज तुम लोगों के तमाशे में हमें क्यों मारते? प्लीज छोड़ो मुझे। शालू सब कुछ तुम पर निर्भर है, हम नीचे तैयार हैं। प्लीज मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, मुझे चलो। सरोज को देखना है। अकेली नर्स आएगी अंदर। ओके। ये साला कैमरामैन क्या कर आया? ओके ओके खड़ी रहे।
यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ये घर है, ये सामने वाला घर, ये सीढ़ी, ये यहाँ पे लोकंडे खड़ा था, मां जाके खड़े रहो, जा इधर। देखो ये जो सामने वाला घर है, कामत था, वहां जाके खड़े रहो। जी समझ में आया? जा। हाँ ठीक है सर। ये जो सीढ़ी से यहाँ जाके पीछे, ये जो दूसरा घर है उसके ऊपर से यहाँ आ जाओ, वहां खिड़की है, वहां पोजीशन ले लो, संभाल के। क्या माधुरी ये सब कर पाएगी? मालूम नहीं। क्या हुआ इसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल है इसे अस्पताल ले जाए तो अच्छा होगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा, वो आए हुए हैं। यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा, तू दवा दे इसे। जब मैं जानती ही नहीं कि इसे हुआ क्या है, मैं उसे दवाई कैसे दूं? तुझे हम बुलाया किस लिए? चल दवा दे इसे। गलत दवा दे देने से अगर उसे कुछ हो जाए, वो मर जाए तो? खोल इसे, खोल। अब पूछ डॉक्टर से। सर, शालिनी मैं देखता हूं, तुम बैठो। क्या हुआ? सरोज का जी बहुत घबरा रहा है। पूछ। उसकी कमर में बहुत दर्द है। नब्ज कैसी चल रही है? बहुत ही स्लो। ओह गॉड, तो मुझे खुद एग्जामिन करना पड़ेगा? अरे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा ऊपर, वही से बता। देखो अल्ट्राजिन 2 cc और सिक्विल 1 cc का इंजेक्शन देना, मगर खाली पेट मत देना। बंद कर इसे। कर जो उसने कहा। बिस्किट है शायद रसोई में। तुझे मालूम है कहाँ रखे हैं? हाँ बिस्किट खा लो, खाली पेट इंजेक्शन नहीं दे सकती ना। तुम खाओगे? तू इंजेक्शन दे इसे, वो शायद तुम्हें ऊपर बुलाएगा। अगर अगर मुझे अंदर जाने का मौका मिला तो भी वो हथियार तो साथ नहीं ले जाने देगा। बिल्कुल। तो मैं अंदर जाकर क्या कर पाऊंगा? अब डरिए मत, गोली उसे भी लगी है। अगर गोली बदन में है तो कमजोरी होगी, अगर नहीं है तो भी जख्म गहरा होगा। नर्स उसे भी पट्टी करेगी, वो ना नहीं कर पाएगा, उसे जरूरत है। बस यही एक मौका होगा जब तुम स्टेन गन छीन सकते हो। अगर ये नहीं होता तो एंटी टिटनस की जगह।
शर्ट उतारो, मुझे तुम्हारी भी पट्टी करनी है। मेरा ख्याल है सरोज को अस्पताल ले जाना होगा। तुमसे किसी ने सलाह मांगी? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसकी जान के पीछे पड़े हो? मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर वो मर गई तो? अगर ये मर गई तुम तो हो। शर्ट उतारो, देखो जख्म बहुत गहरा है। अर्चना, शर्ट उतारो। बोला ना, मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक नर्स हूं, मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। खींच रहा हूं उसे। देखो ये जख्म भी खतरनाक साबित हो सकता है, प्लीज प्लीज। Please.
क्या इंजेक्शन दे रही हो? एंटी टेटनस। ये इंजेक्शन पहले अपने आप को लगाओ। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। मैंने कहा अपने आप को लगाओ। मैं बेकार में इंजेक्शन लेकर क्या करूंगी, इसकी जरूरत तो तुम्हें है। अपने इंजेक्शन लगाओ। बैठ जाओ। ऐसा नाटक किया आपने इस पे साहब, इस बेचारे को इसमें फिजूली जलील होना पड़ा। आई एम नॉट लाइक दिस एट ऑल। आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगा? प्लीज फास्ट, कुछ भी मत बोलिए, मुझे कुछ सुनना नहीं है। माधुरी, आर यू ओके? माधुरी, आर यू ओके? तुम ठीक हो? मैंने उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी तो आपका प्लान फेल होने ही वाला था। देखिए, जब आप ऑपरेशन करते हैं आपको मालूम होता है कि ऑपरेशन कामयाब होगा। इट्स ऑल इन द गेम। ऑल इन द गेम? अगर वो इसे मार देता तो? प्लीज, वो तो हत्यारा है ही, दूसरे आप होते। आप लोग इंसान की जिंदगी को इतना सस्ता समझते हैं? देखो, हम उसे कीमती समझते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। देखिए, बहस करने के बजाय उसे ट्रीट कीजिए, अस्पताल लेके जाइए उसे। यू कैन टेक माई जीप। नो थैंक्स। टेक माई जीप, आई सेड। नो थैंक यू, आई सेड। ये क्या मात्रा है? नर्स के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंजेक्शन देकर चली आई। चली नहीं आई, मार पीट कर निकाल दी गई। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप देख तो रहे हैं, आप मासूम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जो चाहे वो कह सकते हो। हमें और कितनी राह देखनी पड़ेगी? हमें और कितनी राह देखनी पड़ेगी? प्लीज, आई सेड प्लीज, प्लीज, प्लीज। सुनो, एक मिनट खिड़की खोल दो, हम खून खराबा नहीं चाहते। मैं अपने लोग हटा देता हूं, तुम जहां चाहो वहां चले जा सकते हो। सरोज को डॉक्टर की सख्त जरूरत है, प्लीज। देखो, चाहे तो तुम मुझे गोली मार सकते हो। मैं ऊपर आ रहा हूं। साले, ऊपर आ तो गोलियों से छलनी छलनी कर दूंगा तुझे। एसपी साहब, ऊपर मत जाइए। अब तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, प्लीज, लीव मी। वो पागल है, मेरी बेटी को मार देगा। आप अपनी जान दे, उसके सर पे खून सवार है। प्लीज सर। मैंने यू सनाफा, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। कमत सलावला साले, लड़की के पीछे छिपा। देखो, वो प्लीज, वो सर उसको मार देगा। गेट इन सर, प्लीज, गेट इन फास्ट सर, रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट इन फास्ट। Ugh!
येड़ा साला। रोज इंजेक्शन लेती हो? हाँ। पहले भी तुम्हारी कमर में दर्द होता था? हाँ। यही नर्स रोज इंजेक्शन देने के लिए आती थी? हाँ। क्या नाम बताया इसका? कहाँ 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 दर्द होता है हुँ? या यहाँ 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 पानी सच मारने चली थी। अगर उठा पाती तो खुद पर ही गोली चलाती। डर गए? मैं मर जाती तो तुम पकड़े जाते। मैं मरने से नहीं डरता। ले पकड़। तो अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, लेकिन कायरों की तरह घुटने नहीं टेकूंगा। क्या फर्क पड़ेगा उससे? फर्क पड़ता है। संतोष रहेगा कि मैंने अपना फर्ज निभाया, सब आ गया काम पूरा सौंपा गया काम पूरा किया। सीएम की हत्या सौंपा हुआ काम था? मैंने कोई हत्या नहीं की। सीएम वॉज नॉट किल्ड विद बुलेट्स, ही वॉज किल्ड बाय एन आइडिया। क्या? नॉट किल्ड विद बुलेट्स, किल्ड बाय एन आइडिया? इसका क्या मतलब हुआ? एक जीते जागते इंसान के शरीर में गोली नहीं लगाई तुमने, उसको मारा है तुमने? नो
वो एक अन्यायी व्यवस्था का प्रतिनिधि था। मैंने उसे रास्ते से हटाया है। तुम्हें विश्वास है नया चीफ मिनिस्टर सही काम करेगा? अगर वो नहीं करेगा तो संपतराव महाड़िक का भी यही हाल होगा। किसका? संपतराव महाड़िक। मतलब उसके कहने पर तुमने सीएम को मारा? वो कुछ और कहेगा तुम वो भी करोगे? तुम्हारी अपनी पहचान कहां है? तुम तो इस्तेमाल किए जा रहे हो। हर कोई इस्तेमाल किया जा रहा है, मकसद पूरा हो जाने तक। लेकिन उसके लिए मारना जरूरी है। Many things die with death. तुम मुझे भी मार डालो। तुमने बहुत से लोगों की तकलीफें दूर की हैं, मेरे भी कर दो। No. क्यों नहीं? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? एक सीएम था और एक मैं, लंगड़ी, अपंग, बोझ बनकर जीने वाली एक लाश, जिसे दवाओं, इंजेक्शनों और देवी देवताओं के मन्नतों पर जबरदस्ती जीना पड़ रहा है। लगातार राह देखते हुए कि अब कुछ होगा और सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। क्या है मेरी जिंदगी में जिसकी उम्मीद पर मैं जीऊं? मेरी जिंदगी खिड़की से दिखता हुआ आसमान का एक टुकड़ा है। 10-20 किस्म की थकी हारी आवाजें जिनके कोई उतार चढ़ाव नहीं, नहीं है मेरे लिए किरणों के उजाले में मुस्कुराना, रिमझिम बरसात की बूंदों में भीगना, शाम को खुली छत पर खड़ी होकर एक एक करके निकलते हुए तारों को गिनना। मेरे लिए तो है माँ के तनाव भरे चेहरे पर गहरी होती जाती लकीरें, पिताजी के मुंह से निकलते निकलते अचानक खो जाती बातें, उकताए हुए दिन, महीने, साल और अकेलेपन के आंसुओं में भीगी रातें। हत्या और वध का फर्क मैं नहीं जानती, मुझे मार डालो। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? तुम्हारे बिना जी सकेंगे? तुम्हारा किसी के माँ बाप के आंसुओं से क्या संबंध? तुम तो मौत के सौदागर हो, तुम जिंदगी का ख्याल क्यों करते हो? मैं जिंदगी का ख्याल करता हूं। मैंने बेकसूरों पर गोली चलाने के लिए ये बंदूक नहीं उठाई है। मौत का मतलब विनाश नहीं है, मौत का दूसरा नाम जिंदगी है। क्योंकि तुम एक मकसद के खातिर वध करते हो, इंसान की भलाई के लिए मारते हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तब तुम्हारा यह काम जायज होता है। क्योंकि तुम परिवर्तन लाते हो, ऐसा परिवर्तन जो दूसरों के लिए खुशहाली लाता है। कोई भी परिवर्तन चिकनी चुपड़ी बातों या झूठे दिलासों से नहीं आता, वो तभी आता है जब बंदूक की नोक पर सवार होता है। हर कोई आदमी बंदूक नहीं उठा सकता, उसके लिए तुम्हें अपनी नपुंसकता छोड़नी होगी और कुछ उसूलों पर विश्वास करना होगा। हमारा संगठन तुम्हें उसके लिए ताकत देगा, ताकि तुम अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे सको। लक्ष्य बड़ा है, एक आदमी नहीं, एक लक्ष्य के लिए साधन जुटाओ, हर चीज इस्तेमाल करो।
तुमने ठीक कहा है, मुझे इस्तेमाल किया गया है, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे किसी की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। मैं अब मुझे प्राश्चित करना है। क्या? मैं चाहे आत्महत्या करूं या अपने आप को पुलिस के हवाले करूं, मेरी मौत अब निश्चित है। मैं अपनी मौत को तुम्हारी खुशी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं सरोज, चाहे थोड़ी देर के लिए। से क्या मतलब? तुमने कहा ना, तुम्हारी जिंदगी खिड़की से दिखता हुआ आसमान का एक टुकड़ा है। मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। सरकार भी फांसी लगाने से पहले अपराधी की आखिरी इच्छा पूरी करती है, उसे पूछती है। मेरी आखिरी इच्छा है मैं तुम्हें चाहे थोड़ी देर के लिए सही हर खुशी दूं। तुम्हें कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? खाना, कपड़े? मुझे कुछ नहीं चाहिए। साड़ी पहनी कभी तुमने? साड़ी? हाँ। इंस्पेक्टर, मुझे लड़की के लिए एक साड़ी चाहिए, लाल रंग की, और जो भी उसके साथ में वो ब्लाउज ब्लाउज होता है वो सब। और सुन, एक कार भी चाहिए, ये सब आधे घंटे में मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी हरकत की तो फिर जिम्मेदार तुम होगे। तेरे बाप के नौकर है साले। प्लीज, कहीं से भी एक कार पैदा कर लो। जी। 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल मत रखना। यस सर। कांटा फुल टैंक दिखाना चाहिए। यस सर। साड़ी वगैरह देख लो फास्ट। एसपी साहब, कार मंगवाए? अगर आपसे नहीं बनता हो तो। बिली प्लीज शट अप। देखा, एसपी साहब की ये बात हमें पसंद नहीं। आपस में बात करते हैं, हमें कुछ बताते ही नहीं। लगता है इसे उस लड़की की कोई फिक्र ही नहीं, बस अपनी मनमानी कर रहा है। अपंग हुई तो क्या हुआ, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। हाँ। आप सब लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे यह जाहिर करते हुए बड़ी खुशी होती है कि श्री संपतराव महाड़िक सर्वसम्मति से नेता चुने गए हैं। मैं उन्हें और आप सबको बधाई देता हूँ। संपतराव जी, संपतराव जी, संपतराव जी, सर एडिशनल फोर्स अभी तक नहीं पहुंचा। दोनों गाड़ियां रास्ते में उड़ा दी गई हैं। क्या, दोनों गाड़ियां उड़ा दी गई? दूसरी जगह से इंतजाम करके फोर्स भेजा जा रहा है। कार आ गेलो। एसपी साहब, आप उसकी बात मान रहे हैं? वो सरोज को लेके जाएगा। इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? लेट्स सी व्हाट वी कैन। ड्राइवर, सुनो, साड़ी, कार, ठीक है, ये कपड़े वो मासी के हाथ ऊपर भेज दो। लीजिए,
घबराइए मत दीदी। अंदर ले जाकर कपड़े बदल। इंस्पेक्टर अपने आदमियों से बोल के हथियार नीचे फेंक दें। हथियार फेंक दो। हथियार फेंको। तू भी अपनी रिवॉल्वर फेंक मेरे पास। कोई भी आदमी रास्ते में नजर नहीं आएगा। हट जाओ पीछे। चल। ए नहीं तेरी हरामी के पिल्ले मौत आई है क्या? भूल दूंगा सबको। प्लीज गाड़ी की चाबी कहां है? चल हट जा पीछे। हट जा। इंस्पेक्टर चल जाके जीप स्टार्ट कर। रुक जा जल्दी कर। आप गाड़ी से उतरा। चल इस तरफ चल। अरे जल्दी कर। चल अरे चला कर। तू देख पीछे पीछे हो जा पीछे पीछे और पीछे चला। हट जा हट जा पीछे हट आउट।
शालू, शालू, वो मेरी सारा को ले गया, सारा, शालू, शालू, शालू तुम्हारे साथ, मुझे घर वापस ले चलो। क्या चाहती हो? वहां जाकर दोबारा फंस जाऊं तो मुझे यही उतार दो ना। अब तो तुम आसानी से भाग सकते हो। देखो मुझे उतार दो नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। देखो मैं सच्ची कूद जाऊंगी। कूदने चली थी, लगता है ना मौत से डर, पर मैं तुझे मारूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें अब भी तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं मौत से नहीं डरता, मौत मेरे गले में है, साइनाइड है इसमें, लेकिन मेरा जिंदा रहना जरूरी है।
क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे वापस दर्द हो रहा है, मुझे पानी चाहिए। पानी यहाँ कहाँ? आगे कोई ढाबा, आगे कोई ढाबा आने दे, पानी पिलाता हूँ तुझे। पानी ले आ। ठीक हो? कुछ नहीं, हमने खत्म कर दिया उसे। हाँ, कोई फिकर मत करना, मर गया वो। कैसी है? ठीक है तू? संपतराव महाराज। क्या है संपतराव? हाँ, क्या है संपतराव? क्या है? हाँ, संपतराव महाराज के कहने पर हाँ राजा ने सीएम को मारा था। क्या? राजा ने मुझे सब बताया था। We'll be right back.
गुड मॉर्निंग सर। सर आपने तो कमाल कर दिया, पूरी पुलिस फोर्स को आप पर गर्व है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर आपके इंटरव्यू के लिए प्रेस रिपोर्टर्स आए हुए हैं। I, Sampat Rao Mahalik, do solemnly affirm, that I will, faithfully execute, the office of Chief Minister, and I will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution, and the law, and that, I will, devote myself, to the service, and well-being of the people. कैबिनेट एक्सपेंशन जल्दी ही करना है, मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। आपकी डिप्टीशिप की बात नेक्स्ट वीक तक फाइनल हो जानी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए बैठिए। यही है मिस्टर सुहास डांडेकर जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इन्होंने अपनी जान पर खेल कर एक अपाहिज लड़की को बचाया और आतंकवादी का सफाया कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। चाय? नो थैंक यू। बधाई हो, बधाई हो। आप जैसों पर हमें बहुत ही गर्व है। आपकी कर्तव्य भावना की जितनी तारीफ करें उतनी कमी है। मैंने आईजी साहब से इनके बारे में बात की है और दिल्ली भी बात हो चुकी है। रिपब्लिक डे पे देखना, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। आजकल सब तरफ हिंसा बहुत हो रही है, कितने ही बेगुनाहों की नाहक जाने जा रही हैं। माहौल बहुत ही खराब हो, एक आम आदमी का तो चीना थूभर हो गया है। सुबह घर से निकले तो शाम को घर लौटे ना लौटे इसकी कोई गारंटी नहीं रही। लेकिन हमें यह सब दूर करना है, लोगों में हमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है, भय की भावना को दूर करना है, गुंडागर्दी और ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक धंधा बन गया है। तुम ही सोचो कैसी शर्म की बात है कि महात्मा बुद्ध, अशोक और गांधी जैसे देवताओं का यह देश, अहिंसा और सत्य के बल पर आजादी हासिल करने वाला यह देश, यहां का आदमी छोटी मोटी बातों को हल करने के लिए हत्या और खून बहाने पर। Oh, no, no, no.
मत मारो मुझे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ।